कोर्ट का शॉर्ट नोटिस पर आज मैं आया हूँ और आज मेरा अजमेर जिले में कुछ दो चार कार्यक्रम थे तो मैं किशनगढ़ पुष्कर और अजमेर में आया हूँ। सबसे पहले तो जो परिणाम आए हैं विधानसभा चुनावों के उसमें जहाँ तक हरियाणा की बात है मैं समझता हूँ कि सारे अनुमान सारी उम्मीद सारे सर्वे सारा फीडबैक जिस दिशा में संकेत करता था उसके अनुरूप परिणाम नहीं आए हैं और हरियाणा में जो लगभग पूरे देश में इस बात को सब सर्वसम्मति से मानते थे कि वहाँ अच्छे बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे और जब परिणामों की गिनती चालू हो रही थी मतगणना की तब रुझान एक तरह के थे, अचानक रुझान बदले और उसके बाद लगातार भाजपा को बढ़त मिली है। इस सिलसिले में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कल निर्वाचन आयोग में कुछ ज्ञापन दिए हैं 15-20 सीटों पर जहां पर उनको आशंका थी कि उम्मीदवारों को संतुष्टि नहीं है मतगणना की प्रक्रिया से, तो उसका निराकरण निर्वाचन आयोग करेगा। कुछ लिखित कंप्लेन AICC ने भी दी है, वो तो है निर्वाचन आयोग का और हमारे कैंडिडेट्स का जो संवाद और AICC ने किया है, लेकिन ये बात सच है कि उम्मीद से बिल्कुल विपरीत वहां पर नाम आए। मैं समझता हूं सभी लोग बोलते थे मानते थे कि वहां पे 10 साल से जो सरकार थी उससे ना तो जनता खुश थी और ना शायद भाजपा खुश होगी, क्योंकि तभी 9 साल के बाद उन्होंने खट्टर साहब को वहां हटाया और एक नए मुख्यमंत्री को बनाया। अगर 9 साल का कार्यकाल इतना बढ़िया था, इतनी अच्छी गवर्नेंस थी हरियाणा सरकार की, तो कोई जरूरत नहीं थी मुख्यमंत्री बदलने की। मुख्यमंत्री बदले इसलिए गए क्योंकि वहां पे असंतोष था, गवर्नेंस हो नहीं रही थी, किसान नौजवान सब परेशान थे और वहां पर कांग्रेस पार्टी ने जो कैंपेन किया जिस ताकत से हम लोग चुनाव लड़े उसके अनुरूप परिणाम नहीं आए। और जैसा राहुल जी ने भी कहा है कि इन परिणामों की हम लोग समीक्षा करेंगे और जो करेक्टिव मेजर्स उठाने उसको उठाएंगे, फीडबैक हम लोग ले रहे हैं हमारे प्रभारी हमारे प्रदेश के नेताओं से और हम उचित कार्रवाई करेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारा गठबंधन था इंडिया अलायंस का, वहां पर स्पष्ट बहुमत के साथ हमारी सरकार बनने जा रही है इंडिया अलायंस की, NC कांग्रेस की, तो वो वहां पर भी परिसीमन किया गया, तमाम तरह की अड़चनें लगाई गई, छोटे छोटे दलों से पर्दे के पीछे से चुनाव लड़वाया गया ताकि जो हमारी कश्मीर प्रोविंस के जो वोटें थी उन वोट का बंटवारा हो, लेकिन लोगों ने समझदारी करी और अपना वोट जाया नहीं किया, वोट खराब नहीं किया और हमारे अलायंस को वोट देकर एक स्पष्ट और ऐतिहासिक बहुमत मिला है। मैं उम्मीद करता हूं कि नई सरकार के गठन के साथ साथ जम्मू कश्मीर में जो एक जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश दिल्ली से की गई थी उसकी भरपाई हो पाएगी, लोगों को रोजगार मिलेंगे, अमन चैन और फैलेगा और खासकर जम्मू संभाग में जहां पहले कभी भी आतंकवादी घटनाएं होती नहीं थी उस जम्मू संभाग में पिछले साल भर में लगातार वहां घटनाएं हुई, हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हुए हैं, उस पर भी नई सरकार बनने के बाद अंकुश लगेगा और एक नई शुरुआत उस जम्मू कश्मीर में होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड था जो छीन कर उसको UT बनाया गया था, केंद्र सरकार ने भी कहा है कि हम उसको करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि स्टेटहुड बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल पाएगा। ये जो चर्चाएं हैं ये हमारे विरोधी दल करते हैं, लेकिन समझना पड़ेगा कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल का शासन किया है ऐसा नहीं हम मान सकते हैं कि एक चुनाव के, आप मत भूलिए हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी को लगभग 40% वोट मिला है और लगभग इतना ही भाजपा को मिला है, लेकिन वहां क्या परिस्थितियां रही, क्या समीकरण बने, कुछ आगे पीछे हुआ, लेकिन वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का बड़ा है और मैं समझता हूं जितना वोट भाजपा को मिला है कहीं उतना ही हम लोगों को मिला है, तो हमारा वोट शेयर बड़ा है, ऐसा नहीं है कि वहां पे कांग्रेस का वोट घटा है, लेकिन इसका कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा बाकी राज्यों में ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि महाराष्ट्र में हमारा एक मजबूत गठबंधन पहले से है, झारखंड में हमारा मजबूत गठबंधन है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जहां पर भी जो कोर्स करेक्शन करना है उसको हम लोग करेंगे, लेकिन मुद्दे हमारे हमारा नेतृत्व हमारा चुनाव जो जिस जज्बे से हम लड़ते हैं कार्यकर्ताओं के दम पर वो लगातार करते रहेंगे। कल ही आपने देखा होगा दिल्ली में हम लोगों ने अपनी शुरुआत कर दी है, झारखंड के चुनावों की तैयारी कर रहे हैं, महागाड़ी का जो हमारा गठबंधन महाराष्ट्र का है वहां पर हमारा सीट जो शेयरिंग है लगभग फाइनल हो चुका है, बहुत जल्दी घोषणा करेंगे, तो इन दोनों राज्यों के जब भी चुनाव इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करेगा दोनों राज्यों में इंडिया अलायंस का वहां पे परचम फैलेगा मैं मानता हूं ऐसा। और उपचुनाव के अंदर हमारी पूरी तैयारी है, ये जो भाजपा वाले कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, ये उपचुनाव और चार राज्यों के चुनाव साथ में नहीं करा पा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति नहीं बना पा रहे हैं कि निर्वाचन आयोग ऐसी घोषणा कर सके, तो कहते कुछ है करते कुछ है, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए सबूफे छोड़े जाते हैं और
जहां पर भी उपचुनाव होगा राजस्थान में पूरी ताकत से हम लोग लड़ेंगे। हमारी तैयारियां बहुत अंतिम उस पर पहुंच चुकी हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता हम लोगों को बहुमत देकर राज्य सरकार को आईना दिखाएगी। सर जम्मू कश्मीर में अलायंस था, महाराष्ट्र में लिखित में हम लोगों ने बात की इलेक्शन कमीशन से और वो उनको निर्वाचन आयोग को जो भी सवाल, सिर्फ कांग्रेस नहीं, कोई भी दल, कोई भी एनजीओ, कोई भी व्यक्ति अगर इलेक्शन कमीशन से कुछ सवाल पूछता है तो उसका संतोषजनक स्पष्टीकरण देना इलेक्शन कमीशन का दायित्व है। क्या कारण है अजमेर में संगठन की संरचना पूर्ण रूप से हो ही नहीं पा रही है, ब्लॉक तक ही सीमित रह पा रहे हैं? ऐसा नहीं है, जो अभी कमेटी गठित की है, मेरे ख्याल शहर में करी है, ग्रामीण में भी लोग करेंगे और अजमेर जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी शुरू से मजबूत रही है और समय समय पर हम नियुक्तियां करते रहते हैं। हमारे अग्रिम संगठन भी हैं, यूथ कांग्रेस है, एनएसयूआई है, सब लोग मजबूती से काम कर रहे हैं और जो कुछ भी नियुक्तियां बची हैं उसको बहुत जल्द हम लोग कर रहे हैं। काफी लंबे समय से आपने अजमेर से दूरी बना रखी है, इसके पीछे कोई खास वजह? ये किसी को कल से मैं नहीं पालनी चाहिए क्योंकि अजमेर से मैं यहाँ के लोगों की सेवा कर चुका हूँ 5 साल सांसद के रूप से, तो यहाँ से जो जुड़ाव है, जो अपनापन है वो हमेशा रहेगा और इसलिए आज मैं सब लोगों से मिलने अजमेर में। क्या लगता है अजमेर के कांग्रेस एकजुट है? कांग्रेस पूरे देश में, पूरे प्रदेश में एकजुट है और एकजुट रहेगी। आप कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन हमारी 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 एकजुटता टूटेगी नहीं। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कांग्रेस एक बहुत बड़ा कुनबा है, जो भी हमारी विचारधारा से मेल खाता है, पार्टी को मजबूत करने का काम करता है, उस नेता नेत्री को हम सब सहर्ष अपने साथ लेकर आगे बढ़ेंगे और 4 साल तक इस राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इनकी जवाबदेही तय करने के लिए, इन लोगों के जो वादे किए थे उनको पूरा करने के लिए। और मैं पूछता हूं आज जनता से जाके कि 2 करोड़ रोजगार जनता को दिए कि नहीं दिए, किसान की आमदनी दुगनी हुई है कि नहीं हुई है, ये सारी जो खाई बढ़ गई आज अमीर गरीब की उस पर जवाब देने को तैयार नहीं है। चुनाव में हाजिर होती रहती है लेकिन एक सशक्त और सक्रिय विपक्ष की जिम्मेदारी है अपने दायित्व का निर्वहन करे, सवाल पूछे, पारदर्शिता तय करे और हम लोग गांधीवादी तरीके से संघर्ष करते आए, सदन के अंदर भी करेंगे, सदन के बाहर भी करेंगे, लेकिन हार जीत तय नहीं करती है कि हम अपने मुद्दों से भटक जाएं या जिन चीजों में हमारा कन्विक्शन है उसको हम परे कर दें। हम लोग अपनी बात पर अड़िग रहेंगे, हर शोषित, दलित, पिछड़ा, गरीब, नौजवान, किसान, महिला, उन सब के साथ कांग्रेस पार्टी हमारे कार्यकर्ता पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। आप कांग्रेस के मास लीडर में हमें चर्चा करनी चाहिए खाद की, बीज की, पानी की, सड़क की, शिक्षा की। अब लाडू और जलेबी और ये इसने कुछ रखा नहीं है, ये सब आपके मीडिया को खपाने की इनकी कोशिश होती है। आप भी कृपया अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रखें, आप मुद्दों पर ध्यान रखें। नेता आते जाते रहते हैं लेकिन जनता परमानेंट है, उसके हित के लिए जो काम करेगा उसको जनता पसंद। सर जिले बनाए गए थे पिछली बार, इस बार उसकी समीक्षा हो रही है, क्या उन जिलों? अब ये समीक्षा बहुत चीजों की हो रही है, निर्णय को सरकार ले नहीं पा रही है। जो भी निर्णय लें जनहित में लेने चाहिए। इस सरकार में कमेटी बना देते हैं, एसआई की भर्ती है उस पर कमेटी बना दी है, जिलों पे कमेटी बना दी है, आपस में कंफ्यूजन सरकार के अंदर है, तो उसका खामियाजा पब्लिक के अंदर पड़ता है। पब्लिक में जो अनसर्टेनिटी पैदा होती है उससे किसी को फायदा नहीं होता। मैं तो चाहता हूं सरकार जनता के हित में निर्णय ले और पिछली सरकारों ने जो भी काम किए अगर आप उसको बेहतर नहीं कर सकते हैं तो उसको कम करने का नहीं काम करना चाहिए सरकार को। तो जिले जो बनाए आपको लगता है वो सही बनाए थे? जनता ने, जनता के लिए हमने जो सारे काम किए थे जनहित के किए, और भाजपा सरकार को अपना राजनीतिक हित साधने के बजाय जनता का हित सोचना चाहिए।